खबर गाजीपुर से है, जहां बक्से में महिला का शव मिलने के मामले में पुलिस ने एक महिला समेत तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार। मामला मर्दा थाना क्षेत्र के कंसरी गांव का है, जहां 31 मार्च को बक्से में महिला का लहूलुहान हालत में शव मिला था। महिला की हत्या कर बक्से में बंद कर शव फेंका गया था। मृतका की शिनाख्त मऊ जिले की रहने वाली शीला यादव के रूप में हुई। आरोपियों ने अवैध संबंधों के चलते महिला की हत्या की गई थी। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी मऊ का रहने वाला अनूप गुप्ता का मृतका शीला देवी और एक अन्य महिला असगरी खातून से अवैध संबंध थे। मृतका हत्यारोपी पर शादी करने का दबाव डाल रहा था, जिस पर हत्यारोपी ने अपने एक साथी पंकज वर्मा और दूसरी प्रेमिका असगरी खातून के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और बक्से में बंद कर शव फेंक दिया। देखिए गाजीपुर से मोहम्मद साहिद की खास रिपोर्ट। बड़ी कामयाबी मिली है, किस तरह की कामयाबी है? 31 तारीख की रात में मर्दा के पास जो नेशनल हाईवे है वाराणसी गोरखपुर, उस पर एक बक्से के अंदर एक महिला का शव मिला था। उसका शुरू में पहचान नहीं हो पाई थी, बाद में उस शव का 3 दिन पुलिस द्वारा प्रयास किया गया, सभी माध्यमों से क्रियाक्रम कर दिया गया, बाद में उसकी पहचान हुई तो वो मऊ जनपद की रहने वाली निकली। जब हमारी स्वैट सर्वेलेंस टीम और थाना मर्दा की टीम ने इस पूरे प्रकरण में गहनता से जांच शुरू की उसकी शिनाख्त के बाद, तो इस महिला की हत्या उसी के प्रेमी द्वारा की गई थी। इस हत्याकांड में इसके प्रेमी की एक और प्रेमिका भी सम्मिलित थी और एक अन्य व्यक्ति, 3 लोग इसमें पूरे घटनाक्रम में थे। इन लोगों के द्वारा इसे मऊ में ही जो इसका मेन अभियुक्त है अनूप गुप्ता, उसके द्वारा अपने घर बुला के इसके सिर को कुचल करके डंडे इत्यादि से और दीवार से मार के इसकी हत्या कर दी गई और बाद में शव को छिपाने के उद्देश्य से उसे लाकर यहाँ गाजीपुर के थाना मर्दा की सीमा क्षेत्र में एक बक्से में रख के रात में चले गए। प्रथम दृष्टया हत्या के पीछे क्या लगता है? अवैध संबंध। धन्यवाद।